तो इस वीडियो में मैं आपको कोई यूट्यूबर का कस्टम वुड नहीं बताने वाला। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अगर टू फिंगर से थ्री फिंगर के अंदर स्विच होने जा रहे हो तो आपके लिए कौन सा कस्टम वुड सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने फोन के अंदर ही उस कस्टम वुड को क्रिएट कर सकते हो। सर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर अपने फोन के अंदर जैसे आप आते हो तो इस तरीके का कस्टम वुड हमारा जो है डिफॉल्ट बन के आता है और ज्यादातर प्लेयर आप में से सभी यही कस्टम वुड को यूज कर रहे होंगे। अगर इस कस्टम वुड में सबसे पहला तो हम जो कस्टम खेलने पर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है इन छह बटन का। इन छह बटन में से हमारा जो ये स्कोप वाला बटन है ये वाला बटन बहुत ही कम यूज होता है तो इसको हम हटा देते हैं। हम यहाँ पर छह बटन को अच्छे से अलाइन करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। गेम प्ले के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं हम रन। अब रन बटन को हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा, रन बटन को आप अपने थंब के अंदर रखना, बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है। और रन करने के बाद हम करते हैं हमें गन स्विच। अगर गन अगर स्विच कर रहे हो ना तो वहाँ पर गन स्विच बटन आपको इंडेक्स फिंगर के अंदर रखना है। तो हेडशॉट मारने के बाद हमारा जो सेकंड चीज अजन के आता है वो है यहाँ पर ग्लूअल लगाना। ग्लूअल लगाने के लिए हम पहले तो ग्लूअल बटन पे टैप करते हैं इसलिए हम अपने ग्लूअल बटन को अपने थंब के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम क्राउच बटन पे टैप करते हैं इसलिए हम अपने इंडेक्स फिंगर के अंदर क्राउच बटन को रखेंगे। इससे आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें दबा देना होता है लेफ्ट फायर बटन। अब लेफ्ट फायर बटन को हमें इंडेक्स फिंगर के अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि यार इंडेक्स फिंगर के अंदर लेफ्ट फायर बटन को हमें बहुत बार टैप करना पड़ता है कभी कभार, जैसे कि बवंडर ग्लूअल हो गया। इस चीज का गलती मत करना, लेफ्ट फायर बटन को इंडेक्स पे ही रखना। अब यार बचता है हमारा यहाँ पर जंप बटन और स्कोप बटन। जंप बटन को अपने थंब के अंदर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, बहुत मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए वो बवंडर ग्लूअल लगाना। अगर स्कोप बटन को आप अपने थंब के साइड में रखो, कुछ इस जगह पर रखो थंब के साइड में, तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो यार इन सारे बटन को छोड़कर अगर आप बैकपैक बटन जैसे चीजों को आप अच्छी जगह में प्लेस करना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो को देख लो। इस वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि आप किस तरह से अपने कस्टम वुड को टोटली अमेजिंग तरीके से डिजाइन कर सकते हो। सर मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो के अंदर। सर बाय।